हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज हमारे बाबा जी के देवस्थान जयराजा मंडलिक जी के देवस्थान में मेल है भाई। हर 6 महीने के बाद जी शुभ दिन अवसर आता है, सो सभी लोग उधर इकट्ठा हुए होंगे, मेरे गांव के भी और शहर के भी। सो मैं भी जा रहा हूँ भाई अपने बाबा जी के देवस्थान में। सो देखते हैं वहाँ का कैसा रहता है रिव्यू, और आप लोगों के साथ छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जुड़ चुका हूँ। सो आप लोग बने रहना मेरे साथ दोस्तों। सो दोस्तों, ये है हमारे बाबा जी के देवस्थान की जगह। पहले माथा टेक लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे दोस्तों। प्रसाद बनकर रेडी हो चुका है, आसपास के गांव के लोग भी आ चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं सभी। बस इंतज़ार है बाबा जी के पुजारियों का, वो बाबा जी के चरणों में भोग लगाने के लिए गए हुए हैं। जब वो आते हैं तो सभी को प्रसाद बांटेंगे, और रीति रिवाज के अनुसार सभी को बिठाया जाएगा और प्रसाद खिलाया जाएगा। फाइनली दोस्तों, बाबा जी के पुजारी बाबा जी के चरणों में भोग लगाकर आ चुके हैं। सो अब रीति रिवाज के अनुसार सभी को बिठाया जाएगा, और जो जो प्रसाद बना हुआ है बाबा जी के देवस्थान में, वो सभी को बांटा जाएगा और खिलाया जाएगा अच्छे से। कुछ हमारे स्थानीय लोग भी साथ में बैठे हुए हैं, और कुछ शहर के लोग भी बैठे हुए हैं प्रसाद खाने के लिए, और हमारे स्थानीय भाई जी सभी को बांट रहे हैं अच्छे से। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, हमारे रीति रिवाज के अनुसार सभी को ऐसे खाना खिलाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई। अब मैं भी बैठ गया हूँ बाबा जी के देवस्थान में जो प्रसाद बना है वो खाने के लिए। सो वो खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे दोस्तों। सो दोस्तों, रात के बज रहे हैं भाई 8। अब सभी हमारे स्थानीय लोग मकाम आ चुके हैं। पहले बाबा जी के देवस्थान में होगी चौकी, फिर उसके बाद जो प्रसाद बना हुआ है हलवा, वो सभी को बांटा जाएगा। फिर कुछ बंदे खाएंगे और कुछ साथ में घर लेके जाएंगे अपनी फैमिली मेंबर के लिए भाई। सो दोस्तों, बाबा जी के देवस्थान में चौकी हो चुकी है। अब जो हलवा बना हुआ है वो सभी खाएंगे अच्छे से बैठकर। सो खाते हैं हम भी, फिर आप से मिलते हैं बाद में भाई। सो दोस्तों, सभी ने प्रसाद खा लिया है जो बाबा जी के देवस्थान में बना हुआ था। सो अब सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा घर लेके जाएंगे, ताकि अपनी फैमिली को भी शेयर कर सके जो बाबा जी के देवस्थान में प्रसाद बना है भाई। सो यहीं से चले जाएंगे सभी घर, और इसके साथ मैं भी घर चलता हूँ भाई अब। सो हे माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज हमारे बाबा जी की देवस्थान राजा मंडलिक जी के मेल थी। सो वहाँ पे दोपहर को जो प्रसाद बना था, दाल चावल अम्बल पूड़ी, वो सब ने खाया भाई अच्छे से बैठकर। और उसके बाद मैं सीधा आ गया घर, फिर मैं शाम को गया भाई फिर से, फिर उधर बनी थी हलवा जो कि आटे का बनता है भाई। हमारे हर बार बाबा जी के देवस्थान में यही शाम को प्रसाद बनता है, और रीति रिवाज के अनुसार बाबा जी के चरणों में चढ़ाया जाता है और सभी लोगों को बांटा जाता है। और कुछ लोग खाने के बाद भाई उसको घर ले आते हैं प्रसाद सभी फैमिली को खिलाने के लिए। सो यही था आज का छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और इसी के साथ आज 2023 का लास्ट 31 दिसंबर है भाई, इसके आगे कल वाला दिन 2024 में तब्दील हो जाएगा। सो एक बात मोटिवेशन की बोलना चाहता हूँ भाई, आप ज़िंदगी में कोई भी काम करोगे ना, सो आपके अलावा कोई भी उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। हालांकि आपकी फैमिली तक आपको इग्नोरेंस करेगी भाई, आप जिस काम में जी जान से मेहनत करोगे ना, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। फिर भी आपको उस टाइम को पूरा फोकस करके उस फील्ड से निकलना है भाई। अगर आपने उस समय को अपने आप में तब्दील कर दिया ना भाई, आपको ज़िंदगी में कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए अपनों से हमेशा दूर रहना भाई, ज़्यादातर अपने ही होते हैं जो आपकी खुशी में जलते हैं भाई,
और आपको मंजिल तक पहुंचने में कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखना और अपनी फैमिली का सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। भाई फैमिली वाले कुछ बोल तो देते हैं भाई, उनकी बातों का कभी बुरा मत मानना, पीछे वही है जो सपोर्ट करेंगे अपनी फैमिली मेंबर से भी, चाहे वो मम्मा है आपकी, पापा है, चाहे भाई बहन कुछ भी है, भाई आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट करेगी। कहने का मतलब ये है कि आज भी मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ ना दोस्तों, आपके सामने कैमरा उठाकर अगर कुछ मैं रिप्रेजेंट करूँ अपने गांव के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, सो भाई कुछ बंदे मेरा मजाक बनाते हैं, सो कहने दो, उनका काम है भाई कहना, उनसे कुछ होता नहीं है तो वो तभी तो कहते हैं ना, वो फ्री लोगों का काम है भाई। अगर किसी की गलती निकाल कर उसे मतलब टारगेट करते हैं तो कोई बात नहीं भाई, हंसने दो, उनका टाइम है, बट जब आपका और मेरा टाइम आएगा ना दोस्त, तब हम दोनों मिलकर उनको उड़ाएंगे भाई, उनका भी हम मजाक बनाएंगे भाई। क्यों टेंशन ले रहे हो, वक्त बदलता है भाई, चेहरे हमेशा सबके याद रहते हैं, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, कोई बात नहीं, जैसे ये 2023 गुजरा है, आज 2024 लग जाएगा कल, वैसे ही भाई मुश्किल दिन भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, बट जिसने मुश्किल वक्त में किसी का साथ दिया है भाई, जैसे इस टाइम मेरा कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है भाई, ठीक है, उसको मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। कहते हैं ना, दिया कतरा जिसने साथ हमारा मुश्किल वक्त में, रही जिंदगी तो समुंदर उनके नाम लुटाएंगे दोस्त, ये बात हमेशा याद रखना, वक्त बदलता है दोस्त, सबका बदलता है। सो यही था आज का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और यहीं पे करता हूँ आज की वीडियो को एंड। आई होप आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्सपीरियंस साथ और अपने इंटरेस्टिंग के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।